हाय गाइस, मैं मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं शाइन यूट्यूब। ये हमने हॉस्पिटल वाले डिजाइन करी वार्ड रूम के लिए। इसमें तीन कंडीशंस होती हैं, एक फुल ग्लो होता है, एक हाफ ग्लो होता है और एक मिनिमम होता है, यानी मैक्सिमम लाइट, हाफ लाइट और एक मिनिमम लाइट, सबसे लो लाइट। जैसे ये हम जो अभी ऑन किया ये फुल लाइट है, ठीक है। अभी उसके बाद दूसरी कंडीशन देख लीजिए, हमने इसको किया ये हाफ लाइट है, यानी एक बल्ब ग्लो हो रहा है, दूसरा नहीं ग्लो हो रहा है और ये दोनों हाफ हाफ ग्लो हो रहा है। ये क्योंकि इसका ब्राइटनेस बहुत कम है तो आपको कम दिख रहा होगा, तो इसलिए कम ग्लो हो रहा है, एकदम कम हो रहा है। फिर से मैं आपको कंडीशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट वाला फुल, दोनों फुल ग्लो हो रहे हैं दोनों बल्ब। सेकंड कंडीशन, एक ग्लो हो रहा है, दूसरा बंद हो रहा है। तीसरी कंडीशन, दोनों हाफ हाफ ग्लो हो रहे हैं। ये वार्ड रूम में यूज़ करा जाता है, वार्ड रूम या फिर हॉस्पिटल के लिए डीमिंग के लिए जब डीमर सर्किट नहीं यूज़ करना था उसके लिए डिज़ाइन किया गया था। इसका सर्किट का एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ दोनों चीज़ों से। यहाँ पे मैंने एक पेपर में ड्रॉ कर लिया, वो भी मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा, ये हमने न्यूट्रल फेस अपना एमसीबी के बॉक्स, जो हमारा ये वाला वायर दिख रहा होगा आपको, मैं अभी सर्किट में यहाँ पे दिखा भी दूंगा। तो हमने फेस जो है ये वाले स्विच, वन वे स्विच है, इसके कमेंट में आप पुश आउट करके हमारे वीडियो को ये सर्किट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फेस हमने नीचे नीचे दे दिया और यहाँ पे हमारा न्यूट्रल कॉमन कर दिया है। ऐसा एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अपर टर्मिनल में टू वे के अपर टर्मिनल में न्यूट्रल को लगा दिया है और एक बल्ब के इसमें न्यूट्रल लगाया है, दूसरे बल्ब का दूसरा टर्मिनल, दोनों बल्ब का कॉमन करके फर्स्ट वाले स्विच के अपर टर्मिनल में और सेकंड वाले बल्ब का मिडल टर्मिनल में इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। सर्किट में मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे भी ये हमारा, देखिए मैं उल्टा करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये वाला हमारा वायर जो है ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को हमने एक बल्ब के एक टर्मिनल में ले लिया है और वहीं से कॉमन करके यहाँ वाले दूसरे, मतलब एक हमारे टू वे स्विच के लास्ट वाले टर्मिनल में या अपर टर्मिनल में किसी एक टर्मिनल में दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, न्यूट्रल यहाँ पे लाया, यहाँ बल्ब में डाला और बल्ब से ही लगा करके स्विच में दे दिया। ये सेम एज इट इज है। और फेस की बात करते हैं, ये हमारा फेस वायर है ये वाला, ये तो इसमें हमने एक स्विच में डाला है, इसके स्विच के दूसरे ऊपर वाले टर्मिनल या नीचे वाले टर्मिनल किसी में, देखिए यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ से यहाँ, हमने यहाँ से इसको इसमें कॉमन किया हुआ, ठीक। ये देखिए ये वाला और ये वाला हमारा फेस यहाँ से कनेक्टेड दिख रहा है आपको। ये सर्किट में आपको कुछ इस तरह लगाया हुआ, बीच वाले टर्मिनल से हमने बल्ब के दूसरे पार्ट को दे दिया है, बीच वाले से बल्ब के दूसरे पार्ट को दे दिया है, देखिए यहाँ पे ऐसा करके। और ये जो दूसरा वाला वायर है, ये वाला वायर हमने दोनों बल्ब के साथ कॉमन करके यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला चीज़ें कॉमन करके हमने इसमें लगा दिया है, ये आपको दिख रहा होगा। ये तो इस तरह से सर्किट रेडी हो जाती है। तो मैं एक्सप्लेन करके आपको दिखा देता हूँ फिर से ऑन करके। बल्ब कुछ इस तरह से रख देते हैं, फर्स्ट कंडीशन फुल ग्लो हो गया, सेकेंड कंडीशन हाफ ग्लो हो गया और थर्ड कंडीशन दोनों हाफ हाफ हो रहा है, यानी सीरीज में कनेक्ट हो गए। ये एक और लॉजिकल सर्किट होता है जिसे दो बल्ब को स्विच के साथ कंट्रोल करके सिर्फ एक ही बार में सीरीज पैरेलल में कंटिन्यू करना होता है। इस तरह की ये सर्किट होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, जबरदस्त लगा, क्या लगा हमें जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा। इस वीडियो की खासियत ये है कि ये लॉजिकल सर्किट जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हम बेसिकली अभी ओल्ड हॉस्पिटल वायरिंग होती है उसमें किया जाता था, वार्ड रूम या पेशेंट के लाइट को कंट्रोल करने के लिए। इसकी जरूरत कभी पड़ती है, जैसे हमारे को डीमर की जरूरत है, अभी डीमर का कॉस्ट आपका इंक्रीज रहता है, 400-500 का एक डीमर आता है, आपका एक टू एक सिंगल स्विच से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्या होता है, जब आपके हॉस्पिटल वाले रूम में दो बल्ब या दो लाइट्स लगाई हुई हों, उसको फुल ग्लो करना है, हाफ ग्लो करना है या फिर एकदम मिनिमम ग्लो करना है, वो स्विच से कंट्रोल किया जाता है। ये लॉजिकल वायरिंग होता था। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और पसंद आए हमारी काम, तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये सेकंड टाइप, थर्ड टाइप है हमारा हॉस्पिटल वायरिंग का। इसके पहले भी हमने एक हॉस्पिटल वायरिंग का सर्किट दिया था, उसका लिंक मैं आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को भी। उसके अलावा एक और हॉस्पिटल वायरिंग के दो और टाइप्स हैं, उसको भी हम आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में अपलोड करके दे देंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।